कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हमारे श्याम जी की जो माता जी अभी आई थी, मेरी भी माँ है, एक बार खड़े होकर आइए। कहाँ बैठी है आप? हाँ यहाँ आइए। जब माँ से प्यार की बात हो ना तो माँ को पास बिठा लेना चाहिए। वह तो बहुत सारी माएं बैठी है मेरी, जानता तो मैं इनको भी नहीं था पर अभी जान पहचान बनी। यहाँ बैठो और सुनो, ये एक बेटे की अरदास है एक माँ के लिए। हे जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हे जग जननी कृपा करना के तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। हे जग जननी जननी कृपा करना
मेरी थोड़े निभ जाए। जीवन की शाम हो उससे पहले हे जगत जननी तुम्हारा दीदार हो जाए। इस जीवन की शाम होने से पहले हमें दर्श दिखा देना ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। के जब प्रार्थना है कि अभी जो चाय पी रहे हैं चाय पीने के बाद सभी बैठ जाएंगे। ये खाना पीना तो रोज चलता है ना। आज भजन का समय है और भजन में इतनी आदत लगा लेनी चाहिए कि भजन के अलावा कुछ भी अच्छा ना लगे। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया 10 मिनट बैठते हैं ध्यान इधर भागता है उधर भागता है। अब 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट बैठोगे 23 घंटे 50 मिनट संसार में रहोगे और 10 मिनट भगवान में रहोगे तो मन कहाँ टिकेगा, संसार में रहेगा। समय को बढ़ाइए, चलते फिरते उठते बैठते, तो जितना समय हमारा भगवान में बढ़ेगा उतना संसार कम होता जाएगा, टेंशनें दूर होती जाएंगी, चिंताएं दूर होती जाएंगी, क्योंकि चिंतन बढ़ जाएगा। जब चिंतन बढ़ जाता है ना चिंता अपने आप भाग जाती है। कोई कहते हैं चिंता इतनी है चिंतन कैसे करें, अरे चिंतन करके तो देख, वो चिंतन चिंताओं का नाश कर देगा। चिंतन में इतना दम है। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ, परिस्थिति यहां ऐसी बनी कि चारों तरफ अंधेरा था, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया जगत जननी को, घर बैठ गया जोत जगाकर। 4 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा कि मेरा काम तुमने करना है, मुझे लोग तुम्हारे लाल के नाम से जानते हैं, मैं क्यों मांगू किसी और से। तुम्हारा बैंक भरा पड़ा है, तुम्हारे खजाने भरे पड़े हैं, मैं किसी और के पास क्यों जाऊं। मेरा कल्याण तुमने करना है, पहली बार मांग रहा हूं पर देना पड़ेगा। 4th दिन आ गई, खुद आ गई एक मित्र का रूप लेकर और सारी मुसीबत से बाहर कर दिया। वो आती है जिसको उस पर विश्वास होता है उसी की सुनकर आती है। मंदिर में जाते हैं कितने लोग, मंदिर से बाहर निकले पूछो
कि माई का चोले का रंग कैसा था? नहीं पता। तो दर्शन क्या करके आए भैया बताओ? दर्शन करने जाओ तो चरणों से लेकर मस्तक तक के दर्शन करो कि चरणों में ऐसा नेल पेंट है, ऐसी पायल है, ऐसी साड़ी है, साड़ी के ऊपर ऐसा बॉर्डर है, माँ ने ऐसी माला पहनी है, मुकुट के ऊपर ये नग लगा है। और फिर 5 मिनट उस मंदिर के कोने में बैठकर उस दर्शन का चिंतन करो आंखें बंद करके कि मैंने ऐसे दर्शन की, तब दर्शन सफल होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। लोग आते हैं देखो गाकर चले जाते हैं, मेरा भी कोई मतलब नहीं है, मुझे गाने के पैसे मिले हैं, बातों के नहीं मिले, पर ये बात भी कोई कोई नहीं बताएगा आपको। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। माँ के प्यार की जय हो। सच्ची सरकार की। और माँ से कहें कि माँ हमारी भक्ति का फल हमें ये देना कि एक दिन इस मूरत में से बाहर आकर हमें अपने हृदय से लगा लेना और हमें प्यार से बेटा कह के बुला देना।